Woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? Hi everyone, तो आज मैं कुछ कॉफी रेसिपीज ट्राई करने वाली हूँ. I despise black coffee, I really hate it because it has no flavor. It is bitter at the same time. अगर कोई फ्लेवर होगा तो भी चलता, but it is bitter, extremely bitter. ये है एक ग्लास, ये है कॉफी और ये है गर्म पानी. पता है मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैं मामी जी के घर गई थी मेरे, और वहां पर आई ट्राई ब्लैक कॉफी जोश जोश में. काव्या मैंने ज्यादा डाल दी थी कॉफी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है इसकी स्मेल जो है ऐसा लग रहा है जब कोई चीज जल जाती है ना उसकी स्मेल लग रही है. इट गिव्स मी चिल्स. इट इज द वर्स्ट बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो यू शुड ड्रिंक इट इफ यू हैव इनफ विल. इट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म एंड व्हाटएवर. और गर्म चीज तो पीनी चाहिए वैसे, जनरली स्पीकिंग ग्रीन टी, हॉट वाटर, लुकवॉर्म वाटर, ये सब अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए. मैं टाइम पास कर रही हूँ इस कॉफी को अवॉइड करने के लिए. मैं कैसे कंप्लीट करूंगी इसकी, इतना सारा वाटर ज्यादा नहीं हो गया ये. And then coconut oil, 2 tablespoons of coconut oil. Oh my god, it looks like something which I would never have in my life. Why are we still here? Just to suffer every night. I cannot look at it and then have it. I gave it a shot. After all, it is nothing but a simple coffee. I cannot be a loser. This coffee is called Mazakran. So I have a lemon here. Cut each. थोड़ा सा डालूंगी. Little bit of lemon. So I think इतना लेमन काफी है. आइस कॉफी. चीनी चाहिए भूली नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से घोलती हूँ, फिर आपको मैं एक रिव्यू दूंगी, एक प्रॉपर नॉन जजमेंटल रिव्यू. मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, बट नींबू पानी में हल्की सी कॉफी डाल दो वैसा ही, ऑफकोर्स में यही है, बट ऐसा कुछ मतलब बहुत ही शानदार टाइप नहीं लगता है. इससे बेटर तो नींबू पानी अकेला. कॉफी डज नॉट गो विद नींबू पानी, बट इट इज नॉट बैड. इफ आई वुड हैव टू गिव इट अ रेटिंग आउट ऑफ 10, देन आई वुड गिव इट 7. अगर इसको कंपेयर करें नींबू पानी, सिर्फ नींबू पानी और कॉफी वाला नींबू पानी, तो मैं प्रेफर करूंगी सिर्फ नींबू पानी. दिस कॉफी इज कॉल्ड आइस्ड कोकोनट कॉफी. ये है कोकोनट वाटर, नारियल पानी. रेटिंग 6 out of 10. इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स इन बिटवीन. हाँ कोकोनट वाटर भी अच्छा होता है, हर चीज में कॉफी अच्छी नहीं लगती है, और ये चीज वो एक चीज है जिससे कॉफी अच्छी नहीं लगती है. मतलब ये देखो, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो बाहर की चीजें आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं. वाओ, दैट्स सो कूल ऑफ मी. का से सुआ डा. आई एम डैम श्योर कि मैं इस चीज को पक्का गलत बुला रही हूँ. 3 क्यूब्स ऑफ आइस थोड़ी सी डालूंगी, क्योंकि हर वक्त कॉफी जो है ये स्वाद बिगाड़ ही देती है. कंडेंस्ड मिल्क विच इज स्वीटेंड. इट लुक्स गुड, इट एक्चुअली लुक्स गुड, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी 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 अनहेल्दी. बी वॉच योर माई फ्रेंड्स. अब तक की कॉफी में सबसे जो एक्सेप्टेबल स्वाद है वो इसका है. 7.5 out of 10. नाउ वी आर गोइंग टू ग्रीस कॉफी. मेरे 12th के बोर्ड चल रहे थे और मुझे रात को बहुत ज्यादा नींद आती थी, तो मैं अपनी नींद को खुले रखने के लिए, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जब अगर मैं दूध वाली कॉफी पीऊंगी तो उससे कोई खास असर पड़ता नहीं था, तो आई वॉन्टेड लाइक प्योर कॉफी. अब प्योर कॉफी जो है
वो टेस्ट में अच्छी नहीं होती है, ब्लैक कॉफी जिसमें नींद ना आए. सो आई यूज टू मेक दिस कॉफी. अब मुझे पता था उसका नाम फ्रापे है जो ग्रीस में बनती है, मतलब बनती तो कहीं भी है, बट आई यूज टू मेक दिस कॉफी. दिस इज माई 12th बोर्ड की कॉफी. आई वुड नेम इट लाइक मेरे लिए 12th बोर्ड की कॉफी है ग्रीस की फ्रापे. हांगकांग की युआन यांग, बस चाय पत्ती है, मुझे पता नहीं है ब्लैक टी चाय पत्ती होती है नहीं होती है. तो ये थोड़ी सी कॉफी, it was at this moment that he knew he fucked up. ये हांगकांग की टी कॉफी, कॉफी इट वाज ऑल राइट, लाइक इट वाज सैटिस्फैक्टरी. तो मैं इसको दूंगी 6.5 आउट ऑफ 10. कोको पाउडर जो मैं कर ही रही हूं, दिस इज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कॉफी. अब यहां पर कोको पाउडर में सही से डिजॉल्व नहीं हो रहा है, यहां पर कॉफी भी सही से डिजॉल्व नहीं हो रही है, बट इट्स ऑल राइट. ऐसा लग रहा है चॉकलेट मिल्क है. सो आई वुड गिव इट, पहले पी लूं, बट आई थिंक इट्स वेरी गुड. इसमें शुगर भी नहीं है ज्यादा नुकसान वाली, एंड इट इज टेस्टी ऑल्सो. 9 out of 10, दिस इज द बेस्ट वन. सो वी आर डन, चीयर्स. Bye everyone. See you in the next video.